हे डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग? बहुत बढ़िया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्या नाम बोला मैंने? हॉफमैन लिख देता हूं, समझ में आया आपको? हॉफमैन, ब्रो ब्रो ब्रो, भाई, माँ माँ भी है यहाँ तो, ब्रो माँ और माइड। डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेड हो रहा है कोई, डिग्रेडेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम बता रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको मैं प्यार से बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। जिससे याद रहे दिमाग में, जब भी किसी का हैप्पी बर्थडे आए, आपके घर में किसी ना किसी का हैप्पी बर्थडे आता रहता है, HBD, इसका नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट भी नाम से जानते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब यहाँ रीअरेंजमेंट किसका हो रहा है, डिग्रेडेशन किसका हो रहा है, इतनी सारी बातें हैं, तो क्या हो रहा है? माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक सीधा सीधा फंडा है इस रिएक्शन का। अगर मैं आपको बताऊं तो इस रिएक्शन का बहुत सीधा फंडा है कि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, वन कार्बन डिक्रीजेस। तो आओ देखें, एक कार्बन जो कम हो जाता है, जो डिक्रीज हो जाता है, माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे होता है? क्योंकि देखिए, हम मैकेनिज्म बताएं आपको तो मैकेनिज्म आ जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा इतना उलझ जाता है और मैकेनिज्म के चक्कर में पड़ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम सेलेक्शन को हाथ में कर लें कि हम क्वेश्चन करके आ पाएं, फिर इसकी डिटेल में जाएंगे और इसके इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा और सारे इंटरमीडिएट्स एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेकिन सबसे पहले कर लो रिएक्शन मुट्ठी में। तो रिएक्शन मुट्ठी में करने के लिए रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। ये देखिए, ये दो हाइड्रोजन होने कंपलसरी हैं, यानी कि मैं सिंपली लिख दूं कि 1 डिग्री एमाइड इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड माय डियर स्टूडेंट्स? 1 डिग्री एमाइड। 1 डिग्री एमाइड का मतलब नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन होने जरूरी हैं। और सामने आया Br2+KOH एल्कोहलिक। ओ माय गुडनेस, ये तो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में आया है और साथ ही साथ ब्रोमोफोम टेस्ट में भी आता है। और ये ऐसे भी दिया हो सकता है, KOBr, गोबर, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, गोबर नहीं गोबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना अगर आप देखेंगे, और इस रिएक्शन में पूरे 4 मोल KOH के यूज होते हैं। इसकी भी पूरी केमिस्ट्री अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो कि CO को पढ़ने वाली है कसके लाल, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा तो RNH2। बस आपने एग्जाम में ये करना है, अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो इन दोनों का बॉन्ड बना दो, RNH2 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। और ड्यूरिंग द रिएक्शन ये दोनों नीले नीले हाथ चले जाते हैं और काले आ जाते हैं, इसकी भी केमिस्ट्री समझाऊंगा। ठाकुर, ठाकुर के दो हाथ होते हैं ना, चले जाते हैं। 1 डिग्री अमीन मिल गया स्टूडेंट्स हमें, और 1 डिग्री अमीन के साथ वी गॉट K2CO3 प्लस कबीरा KBr प्लस पानी, ये हमारा रिएक्शन हो गया। मान लीजिए एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो क्या हम कर पाएंगे? लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड एग्जाम या नीट में, IIT में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए जैसा कि आजकल आता है, तो क्या हम कर पाएंगे? पहले हम ये देख लेते हैं, फिर आई विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इन डिटेल। चलो बच्चों, तुम्हें सिखाएं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में, ऐसे लिखा हुआ हो, बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड मतलब CONH2, और सामने लिखा हो Br2KOH, क्या लिखा हो? Br2KOH, सिंपली आंसर आ जाएगा एनिलीन। माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर क्या आ जाएगा? एनिलीन आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को।
लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार क्या हुआ, एम्स में क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन आया कि बच्चा जूम जाम जूम फेल हो गया। देखो क्यों, क्योंकि वहां ऐसे लिखा हुआ था सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री, और ऐसे लिखा था। बच्चे को तो यही याद आया होगा कि यार ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, लेकिन वो भूल गया कि ये Br2KOH यहाँ पे क्या करेगा, यस ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी देगा। माय डियर स्टूडेंट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट यानी कि दो बातें होंगी। ये देखिए COCH3 ब्रोमोफॉर्म टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल और CONH2 हैप्पी बर्थडे रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा, जब भी मैं Br2KOH देखूं, मेरा मन दो बातें बोले। दो बातें हो सकती हैं Br2KOH तेरी बात की, या तू हैप्पी बर्थडे करती है या फिर ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी करती है। तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट में ये क्या हो जाएगा, COOK, माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर इसकी रिएक्शन पानी से कर दी जाए तो K हट जाएगा एंड यू विल गेट, क्योंकि ये क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में आया है और IIT में भी आया और एम्स में भी आया, तो नीट में भी आ सकता है किसी समय। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और हीट कर दिया था और फाइनल प्रोडक्ट पूछा था। तो हीट करोगे तो भैया 5 की 6 की 7 की रिंग बनती है, तो बन जाने दो और इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन को हो जाने दो। आओ देखें क्या इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। यस जुमैक, मारे को तो पानी निकलना है, वाटर हैज एलिमिनेटेड आउट एंड वी हैव गॉट द रिंग। सो दिस रिंग इज नॉट दैट मच स्टेबल, बट रिंग तो रिंग ही है एंड वी हैव गॉट NH एंड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द प्रोडक्ट। यू गॉट इट। मान लो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता, वो थोड़ा सा और स्टाइल बना देता यहाँ पे, अगर क्या कर देता CH2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, CH2 CO और CH3 लगा देता यहाँ पर, CH3 लगा देता, तो हमें थोड़ा सा क्या करना होता यहाँ पे, एक कार्बन इंक्रीज करना होता CH2 COOK और यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ जाता और कुछ नहीं होता और ये बन जाता और यहाँ पे एक और कार्बन बढ़ जाता, तो शानदार देखिए आंसर आ जाता। क्या आंसर आता, ये NH और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड ओ, दिस शुड बी द आंसर। यानी कि दोनों रिएक्शन हो रही हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी हो रहा है और ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है। खैर एनीवेज, आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म पे क्वेश्चन इसकी शानदार मैकेनिज्म है और इसके इंटरमीडिएट हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक एक इंटरमीडिएट इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आओ देखें मैकेनिज्म इसकी और बाद में इंटरमीडिएट को याद करने का आपको एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुनाऊंगा, जिससे कि आपको इंटरमीडिएट्स हमेशा के लिए याद हो जाए, सो दैट यू कैन रिमेम्बर द इंटरमीडिएट्स फॉरएवर एंड दैट इज रिक्वायर्ड माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स शक्ते पटे देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा R C डबल बॉन्ड O N H H 1 degree amide और सामने क्या आया है Br2N KOH। यू सी दिस इज Br2KOH। अभी आपने देखी थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इन तीनों में से कौन स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली ये आयनिक बॉन्ड है एंड दिस इज योर आयनिक बॉन्ड, तो इसका मतलब ये टूटा टूटा बॉन्ड है और ये OH नेगेटिव है और बेस को क्या पसंद है, एसिडिक H, एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेसिक यू में हो गया, संभाल लो मुझको ओ मेरे यारो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब ये के प्लस क्या कहेगा, इधर के प्लस दुखी है और यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, के प्लस Br नेगेटिव को लेके सॉलिड स्टेट बनाएगा, कबीरा माने जा, और ये Br पॉजिटिव कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये Br प्लस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, सामूहिक विवाह, एक साथ तीन तीन विवाह हो रहे हैं, तो
आओ देखिए क्या मिलेगा. वी विल गेट R C डबल बॉन्ड O N H Br ब्रोमामाइड. क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? विल गेट ब्रोमामाइड. इसीलिए उसका नाम था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला H और ज्यादा एसिडिक हो गया, पहले से भी ज्यादा एसिडिक. क्यों हो गया? क्योंकि जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस करेगा. क्या करेगा? रेजोनेंस. तो फिर से आ गया कुहू कुहू. KOH K पॉजिटिव, OH नेगेटिव. देखिए एक KOH पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है, दूसरा KOH आ गया. मैंने रिएक्शन में बताया था, जाने ही पहले ही चार KOH यूटिलाइज होंगे. तो देखिए ये OH नेगेटिव आया और इस H प्लस को ले जा रहा है. चल चल मेरे भाई, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे. ABN एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे. And what will you get? You will get R C double bond O N negative Br और K positive घर के बाहर. Anion of bromamide पहला intermediate मिला है my dear students. Anion of bromamide. क्या नाम है? Anion of bromamide. अब K प्लस किस इंतजार में हो भाई? K प्लस बी आर निगेटिव को ले जाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी बेचारे की एक ही बच रही है. देखिए एलिमेंट को मैं इंसान मानता हूँ और इलेक्ट्रॉन को पैसा. नाइट्रोजन इंसान को भी खो रहा है और पैसे को भी खो रहा है. इसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई है. देखो क्या बन गया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, जिसकी होती थी तीन वैलेंसी, आज बेचारे की एक ही वैलेंसी बची है. और ठाकुर तेरे तो दोनों हाथ चले गए. ये देखो H दोनों जा चुके हैं. और ये देखिए आपको लग रहा है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर लग रहा है. बच्चे कहते हैं सर ये न्यूक्लियोफाइल है. अरे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्टेट इनकम्प्लीट है भाई की, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है नाइट्रीन, एसिड डेरिवेटिव नाइट्रीन, यानी कि एसाइल नाइट्रीन नाम है इसका. क्या नाम है? एसाइल नाइट्रीन. क्या नाम है? एसाइल नाइट्रीन. हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वैलेंसी भी एक ही बची है. तो याद रखिएगा पहला इंटरमीडिएट क्या बनाया, एनायन ऑफ ब्रोमामाइड. दूसरा इंटरमीडिएट क्या बनाया, नाइट्रीन नाइट्रीन. और फिर आर यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले गया. कार्बन भी कह रहा है जाता है तो जा भाव मत का, मैं ऑक्सीजन के साथ क्या कर लूंगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन कर लूंगा. तो आर इलेक्ट्रॉन लेके उस नाइट्रोजन के पास गया. किस नाइट्रोजन के पास? उस नाइट्रोजन के पास. आओ देखें क्या करेगा. ये C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और नाइट्रोजन के पास R नेगेटिव आया, बोला मेरे पास पैसा है और मैं खुद हूँ इंसान और पैसा दोनों मिलेगा. मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और सुना है तेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोला सही सुना है. तो R नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया, इसके पास भी 7 हो गए, उसके पास भी 7 हो गए, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, दोनों एक साथ हो गए. तो दोनों के पास 8 हो गए. और कैसे हो गए? C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और R ने इलेक्ट्रॉन दे दिया. तो ऐसा और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड. तो क्या मिल गया हमें, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. तीसरा इंटरमीडिएट आइसो साइनेट. क्या नाम है? आइसोसाइनेट. थर्ड इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट. क्या नाम है? आइसोसाइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड टिक मत कर देना गलती से. नाम क्या है? आइसोसाइनेट. RNCO आइसोसाइनेट, वहां ऑप्शन में आइसोसाइनाइड भी दिया होगा, उसको टिक मत करना माय डियर स्टूडेंट्स. नाम क्या है इसका? आइसोसाइनेट. आइसोसाइनेट नेट 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 आइसोसाइ नेट. आगे देखे आगे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आगे की कहानी में ट्विस्ट आएगा. सामने आया पानी, पानी जब आया एच ओ एच, ये देखिए एक इसको मिल जाएगा और
OH इसको मिल जाएगा, तो देखिए इसको H मिला, उसको OH मिला, तो क्या बना? R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो N को क्या मिला? पाई बॉन्ड टूटा, H। ठाकुर बधाई हो, नया हाथ आया है। अगर मान लो HOH की जगह KOD होता, DOD होता, तो D आ जाता यहाँ पर, राइट, और OH। ये बना चौथा इंटरमीडिएट, इसका नाम है कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड। और बस फिर क्या था? वही हुआ जो होना था, CO2 निकल ली, ज़मैक, ये जा रही है CO2, और ये H प्लस ठाकुर के पास आ जाएगा। ठाकुर बधाई हो, दोनों हाथ मिल गए तुमको, तुम्हारे को नए हाथ मिले हैं, बधाई हो। और CO2 भागी जा रही थी, उधर KOH ने देखा, बोला सुना है बहुत एसिडिक हो, आओ मेरे साथ बॉन्ड बनाओ K2CO3। और K2CO3 के बनाने के लिए दो KOH, तो दो पहले यूटिलाइज हो गए थे, दो ये चार K2CO3। इस तरह ये विवाह संपन्न हुआ। क्या बात समझ में आई सबको? आ गई? तो देखिए इसका सॉन्ग सुनाता हूँ, सॉन्ग सुनाऊँ तो मैं पहले इंटरमीडिएट लिख देता हूँ, जिससे कि हमें सब याद रहे, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा उस सॉन्ग को। देखो KOH प्लस अल्कोहलिक KOH प्लस Br2 रिएक्ट किया था, अल्कोहलिक KOH प्लस Br2, तो जरूरी नहीं कि वो अल्कोहलिक KOH और Br2 ही दें आपको, वो इसकी जगह और क्या दे सकते हैं एग्जाम में, इतने की जगह दे सकते हैं वो आपको KOBr भी दे सकते हैं, गोबर, गोबर नहीं कोबर, और इसको कोबरा बोलता हूँ गाने में, मैं क्या बोलूंगा? कोबरा। ओके, प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन कोबरा से होनी है, राइट? आओ देखें, प्राइमरी एमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के, क्या करना है? प्राइमरी एमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के लाई प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के। नहीं समझ में आया होगा, पूरा बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन बताई थी, इसकी रिएक्शन एमाइड से दी होगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, कैसा एमाइड? 1 डिग्री एमाइड। और 1 डिग्री एमाइड की रिएक्शन जब इससे होती है तो ये बनता है एक कार्बन कम, देखिए ये CO2 निकल जाता है, एक कार्बन कम का प्राइमरी अमीन मिलेगा। ये अमाइड है, 1 डिग्री अमाइड है, और वो 1 डिग्री अमीन है, लेकिन उससे एक कार्बन कम है, इससे उसमें एक कार्बन कम है, तो क्या गाना है? प्राइमरी अमाइड से कोबरा रिएक्ट कर बाके लाई प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के। साफ साफ नहीं दिख रहा है आपको, जो बच्चे बिल्कुल नहीं ठीक से मेमोरी में ग्रैस्प कर सकते हैं उनके लिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जिससे कि ये गाना याद रहे और आपके फुल मार्क्स आए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये गाना आपके लिए ही है, केमिस्ट्री का गाना बनाया है। देखो सुनाता हूँ, पूरा अच्छे से बताता हूँ। प्राइमरी एमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के लाई प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के आगे ब्रोमामाइड पीछे नाइट्रीन आइसोसाइनेट पधारा यहाँ इलेक्ट्रिकल आजा इधर कार्बामिक लगाए ठुमका 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। फिर से बताता हूँ, प्राइमरी एमाइड से कोबरा रिएक्ट करवा के लाए प्राइमरी अमीन एक कार्बन चुरा के आगे ब्रोमामाइड पीछे नाइट्रीन आइसोसाइनेट पधारा यहाँ इलेक्ट्रिकल आजा इधर कार्बामिक लगाए ठुमका 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट
हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन शॉर्टनिंग ऑफ द चेन एक कार्बन कम का प्राइमरी अमीन मिलता है। लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा है, जिससे कि मैं और मोटिवेशनल वीडियोस एंड इस तरह के नेम रिएक्शंस के वीडियोस डालता रहूं और सबको बताएं कि कैसा लग रहा है। ओके, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।